अब मैं फिर सोचती हूँ कि अभी बच्चे हैं, आगे भगवान ने अभी उनके लिए टेंशनें लिख दी, अभी टाइम से पहले उनके लिए टेंशनें लिख दी है, जो अब भले ही वो नहीं ले रहे, नहीं समझ रहे, लेकिन आगे सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपया आप सब पे बनी रहे। तो टाइम 10 बज चुके हैं। कितने मिनट? ये भाई मिनट को बड़ा ध्यान रखें। 10 बजने में 2 मिनट है, तो बता रहा मम्मी 10 बजने में 2 मिनट है। बिल्कुल इनकी सेकंड की सुई भी ना इधर से उधर ना हो सकती, बिल्कुल टाइम टू टाइम बताते हैं ये। तो व्लॉग की स्टार्टिंग आज मैंने की है बिल्कुल काम फाइनल करने के बाद, और आप देख सकते हो मैं हूँ रेडी जाने के लिए। और जाना क्या, आज दक्ष को दवाई दिला के लेके आनी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए। दक्ष की दवाई मई में आई थी और अब जून का लास्ट चल रहा है, लास्ट वीक है। जुलाई जून है ही। अच्छा जुलाई में तुम यहीं बैठते? हम तो 1 जुलाई का ही वेट कर रहे हैं तुम्हें भेजने के लिए। और क्या मतलब, बच्चे ने स्कूल क्या छुट्टी पड़ी न, तो टाइम तो टाइम, वो डेट तो डेट, मंथ भी याद नहीं है। वैसे सच बताऊं, हमें भी ना जिस दिन से बच्चे इनका स्कूल जाना बंद हुआ ना, डेट और डे याद नहीं रहते। मम्मी अभी कल परसों पूछ रही, डेट पूछ रही शायद, तो मैंने फोन में चेक किया, जब मैंने फोन में देख कर तब बताया कि आज मम्मी ये डेट है। वरना जिस दिन बच्चे स्कूल जावे तो डे भी याद रहे, क्यों संडे की छुट्टी रह गई तो पता ही कि हाँ आज संडे, आज छुट्टी है। टाइम डेट भी पता ही रह गई जब स्कूल जावे। हमें खुद एक ऐसी हैबिट होगी जिस दिन से बच्चे की स्कूल की छुट्टी पड़ी है ना, हमें खुद याद नहीं रहता है। हाँ हमें पता है आज 25 जून। मैं भी तो जून ही बोल रही हूँ, मैंने बोला जून का लास्ट वीक चल रहा है। और दक्ष की वो आई थी दवाई मई में, और अब आनी है दक्ष की दवाइयाँ। तो दक्ष की दवाई के लिए मैं चलती हूँ दक्षु को लेके इसकी दवाई दिलाने के लिए। अच्छा जुलाई में चल रही है, अभी तो छुट्टी बहुत पड़ी है। पानी बोतल ले ले, छुट्टी बड़ी पड़ी है ना। मैं चल जल्दी चल जल्दी इसकी दवाई लेके आ जाऊँ, क्योंकि अब वैसे तो ये ठीक है, लेकिन अभी एक दो दिन पहले मैंने नोट किया सांस ले रहा था और लेने में प्रॉब्लम सी हो रही थी, और अब कुछ दक्ष का ना हकलाना शुरू हो गया। आज मुझे डॉक्टर से मेन यही पूछना है, क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली मामी है उन्होंने मेरे मन में डाउट सा डाल दिया। उन्होंने बोला था, अब कोई चीज़ खैर देखो किसी को पता ही होती है जब भी वो डाल बोलते हैं, तो उन्होंने बोला था कि इस बीमारी में बच्चे को हकलाने की प्रॉब्लम होती है। दक्ष को बल्कि मामी ने बुलवा के देखा था कि ये इससे बात की थी कि मैं देखूँ ये बोलता ही नहीं, उस टाइम तो ये नहीं बोल रहा था ऐसे ही। ये बात है होली के टाइम की, जब मामी होली देने के लिए आई थी। और अब दक्ष को मुझे लग रहा है कि ये एक दो बार, मतलब एक वर्ड को कई कई बार बोलता है, बीच बीच में ऐसे ही करता है। तो आज मुझे डॉक्टर से मेन पूछना है कि ये इसको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और जबकि इसकी भी बीमारी में आराम है सच में ही, अब तो बहुत फ़ायदा है पहले से, लेकिन ये प्रॉब्लम है जो मेन वो मुझे पूछनी है। और बच्चों का घूमने का मन भी और था, इंस्टा पे आपने देखी थी, दक्ष कह रहा था ये वो है जो हमें घुमाने के लिए बोल देते लेकिन घुमाने नहीं लेके आते। तो नमन भाई की कमेंट भी आई थी कि बहन घुमा के ले आओ, मैंने कहा हाँ चलो। और वैसे भी अभी आपने देखा दोनों पिछले व्लॉग में, ये खूब घूम के आए, खूब इंजॉय किया इन्होंने। रात जगाने जब दीदी आई थी तो ये खूब मस्ती की इन्होंने, बट आज क्या है, आज घूमने नहीं है, लेकिन जब भी हम वहाँ से आते हैं तो ये ज़रूर बोलते हैं। मैंने कहा चल आज दोनों हो जाएंगे, आज मौसम भी ठीक है, आज इतनी धूप नहीं है, ठीक मौसम है, गर्मी भी इतनी वो नहीं है, अपने मन का छाया में जाएंगे और जल्दी से आ जाएंगे। आ जाए बेटा,
ऐसे तो बोलता है कि हाँ मतलब मैं मम्मा नाक से सांस ले पाता हूँ, लेकिन कभी कभी फिर बीच में ऐसे ही करता है मुंह से सांस लेके कहीं कहीं ऐसे ऐसे करना। नहीं बिल्कुल नहीं उठता, इसे तो पता ही नहीं है सोने के बाद कि कहाँ पे है। दक्षु डॉक्टर क्या बोल रहे थे? कह रहा मम्मा आपने मेरी फेस पे करा दो। ठीक है बस घूमदान हो रहा है, फिर इन्हें छाया चाहिए चीज के। ऐसा कुछ नहीं है। देख रुक आएगा दक्ष पहले। देखें सिटी मॉल में आप देख सकते हो यहाँ पे आना था दक्ष को घूमने के लिए। हाँ दक्षो बस इन्हें लेके आओ तो अभी प्रॉब्लम, ना लेके आओ तो अभी अब क्या हुआ है? क्यों शर्मा तो इतना है? घर चले नहीं शर्मा रहा क्या? आप सबको नहीं लग रहा कि ये शर्मा रहा है? भी बताना कमेंट करके कितना शर्मा रहा है। मुझे तो यही सोच आ रहा है कि शर्मा किससे रहा है? ए दक्षु किसे शर्मा रहा, कौन है? हाँ अभी रुकियो। खड़ा हो खड़ा हो। यहाँ वेस्ट वो है ना, जो वेस्ट मटेरियल सारी बोतल है। दक्षु देख और देख नल। हम वेस्ट चीजों को फेंक देते हैं और यहाँ देखो वेस्ट चीजों से इन्होंने कितना सुंदर ये बनाया हुआ है, और हम सोचते हैं वेस्ट चीजों को ऐसे ही फेंक दे, तो वेस्ट मटेरियल से भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। डेकोरेशन के लिए प्रोजेक्ट भी बनते हैं बच्चों के, हमने भी स्कूल टाइम पे बनाए हैं वेस्ट मटेरियल से। नहीं करेगी यहाँ पे देखो, देखिए जा नहीं रहा। ये इस मॉल में सिर्फ इसके लिए आते हैं। दक्षु आ जा। बस यहाँ से निकले है ना पूरे मॉल में मेरे कहने पे घूमेंगे, और फिर इनका रहवा है बस मम्मी हमें झूला भी झूलना है, और उसमें चलेंगे अपने उधर के पार्क में। आ जाओ हवा तो चल रही है। आ जाइए तो आप देखने को मिलते, गर्म हो रही है वो, पक्षी तो खत्म होते जा रहे बिल्कुल। आओ कॉम्प्रोमाइज आपसे बोला है, आपको खानी चॉकलेट वो कह रहा आइसक्रीम ले लो, तो नो कॉम्प्रोमाइज। रख दे ना। बढ़ने से पहले ही बोल दिया मामा, मुझे नहीं पता पार्क के लिए भी ले लेना, और ये ना कहीं एक बार भी मम्मी अपने लिए भी ले लेना। अब मेरी है एक पेप्सी आती। जब गए हमारे यहाँ सोलह में, जब भी अच्छा मौसम है हम अब आए हैं, अब भी अच्छा मौसम है, धूप नहीं है भाई और हवा चल रही है। हम इसी सोच पे निकले कि हाँ मतलब अच्छा मौसम है इसलिए हम चलते हैं। वहाँ मॉल में गए, वहाँ धूप ही। हाँ बेटा अब बता। वो चिड़िया थी ना, वो एकदम से बाहर आई और वो टैंकर के अंदर चली गई, मर गई। ले तो मैं कुछ भी नहीं लाई, सॉरी बेटा सॉरी। देख कुंदी डो खोल रहा। अरे रुक जा। घर भी नहीं आए हम, घर तो आने दे। चल देखो इसके मुंह में से बदबू आ रही है। ओ मम्मा नाम लगाने ना।
पैसे चाहिए। देखिए सर, क्रिकेट किट कैट। आप खुश हैं? देख लू कह रहा है, इसके मुंह में से बदबू आ रही। कैसे आई भी है? तो ये भी लाए है। आपके लिए गिफ्ट और है, कलर सेट। आपके लिए की गिफ्ट इसका ये गेस है। ये हम दोनों कैसे आई ये अंदर से? मम्मा हम दोनों का है ना? हां, हम दोनों का। ठीक है, कैसा लगा गिफ्ट? दक्ष लॉक कर दे, लॉक कर दे। चुके हैं हम घर पे, बच्चों के कुछ स्कूल के प्रोडक्ट ले बेटा। प्रोजेक्ट मम्मा मेरे हाथ गंदे हैं, आप ये भी पकड़ लो। अब हम ले आए, हम आपके प्रोजेक्ट आप खुद करोगे। मुझे दिए, लो लो इन्हें भी। आपको बताऊं भैया, आपका एक गिफ्ट भी लाया था हमने ना, दोनों भाई। चॉकलेट मिल गई उनके स्कूल के, जो चाहिए उन्हें वो मिल गई। हालांकि हर माँ बाप सोच रहे हैं कि हम अपनी बच्ची के लिए सब कुछ करें, और से मुझे भी ऐसी। अभी दक्ष बहुत दिन से बोल रहा है चॉकलेट के लिए, लेकिन मैंने मना कर रखा है। मैंने कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने इसका दो ही चीज़ का परहेज बताया, खट्टे और ठंडे के लिए। पहले उन्होंने थोड़ा बोला है कि बहुत ही ध्यान से इन्हें इसे सब चीज़ें जो भी आप दो बहुत ध्यान से देनी है आपको। आज मैंने डॉक्टर से क्लियर किया, तो आज उसने कहा है ओनली इसे खट्टा और जो फ्रिज का रखा ठंडा है वो बिल्कुल नहीं देना है। इसीलिए आपने देखा होगा अभी डेढ़ दो महीने से ही मैं घर पे दूध जमा रही हूँ दक्ष के लिए, क्योंकि दक्ष को बिल्कुल, अभी तो सर्दी थी होली की, अप्रैल के बाद से मैं घर पे जमा रही हूँ। क्योंकि जब ठंड थी तो ये कम ही चाय पीते थे, लेकिन जब से गर्मी स्टार्ट हुई है मैं खुद सोचती हूँ कि मुझे भी चाय ज़रूर चाहिए होती है, तो मैंने कहा बच्चों को भी ज़रूर चाहिए, तो इसलिए मैंने घर पे स्टार्ट की, ताकि जो हम फ्रिज की लेके आते थे और वो बाहर की होती थी। वैसे भी दक्ष को सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देनी है, तो मैंने इस उससे आज डॉक्टर से मैंने बात की, तो इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने पूछी। आपको शायद कैप्चर में डॉक्टर ठीक से नहीं दिखे, बट वॉइस उनकी सुनी थी आपने। तो दक्ष का अब उन्होंने क्लियर बोला है कि आप इन दो चीज़ों का परहेज रखो, बाकी इसकी एक्टिविटी ठीक रखो सुबह के टाइम। इसीलिए मैं इसे एक्सरसाइज, योगा, थोड़ी सी रनिंग वगैरह कराती हूँ, जिससे एक्टिव रहे दक्ष। बाकी इसकी दवाई वगैरह तो मैं लेके आ चुकी हूँ। आज डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया कि 6 महीने इसका ट्रीटमेंट चल रहा है दक्षु का, जिसमें 3-3.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 2-2.5 महीने का रह रहा है इसका ट्रीटमेंट। उसके बाद अब डॉक्टर ने बोला रियली अगर इसके टॉन्सिल्स ठीक नहीं होते हैं तो ऑपरेशन करके ही वो चीज़ निकालनी पड़ेगी। मैं तो दक्ष को सच में डराती थी, मैंने कहा दक्षु ठंडा मत खा वरना बेटा डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे। आज भी मैंने वो यही बोल रही थी कि बच्चे का परहेज रखो। मैंने कहा कुछ ठंडी चीज़ों के लिए जिद करता है, मैं इसे बहुत समझाती हूँ, बोलती हूँ, मैंने कहा लेकिन नहीं मानता। फिर मैंने दक्ष को उनके सामने, मैंने कहा दक्षु इंजेक्शन लगेगा, फिर डॉक्टर ने डायरेक्ट बोला देखो इंजेक्शन लिए रियली आप इसे थोड़ा समझो और इसका परहेज कराओ और इसका ऑपरेशन होगा, फिर हमें ये चीज़ ऑपरेशन से ही निकालनी होगी जो ये टॉन्सिल्स की गांठें बन जाती है। तो अभी भी डॉक्टर ने बताया कि लेफ़्ट राइट दोनों साइड है, लेकिन राइट की ज़्यादा ठीक है, लेफ्ट की थोड़ी कम है, लेकिन पहले से बेटर है क्योंकि आज उन्होंने चेक की थी। तो किसी चीज़ के लिए अब किसी माँ बाप से मना नहीं होती बच्चों के लिए सच में, और दक्ष के लिए तो बहुत ही कच्चा सजीव रहता है बिल्कुल कि शुरू से, मतलब उसकी हर एक चीज़ मैंने बहुत ध्यान से रखी है, उसकी टॉयलेट अंडरवियर, हैंकी, टॉवल, कपड़े, हर एक चीज़ बहुत उससे रखी। इतनी केयर करने के बाद भी ये दुख होता है कि इतना पीछे रहती हूँ मैं इसके, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, इतना ही, मतलब मैं इतना परेशान होती हूँ इसके लिए। जरा जरा अब तो इसे थोड़ी इसकी स्किन ठीक हो चुकी है, वरना इसकी स्किन भी इतनी वो थी कि हर टाइम हाथ मसल के तो मैं इसे सुलाती थी,
सारे में घमोरी ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या ही है, इतनी अजीब स्किन है इसकी। और बीमारी तो ये लगा लो कि एक टच करना होता है ऐसे ही से होती है। आज हम डॉक्टर ने ये चीज़ बोली, मुझे तभी इतना रोना है वहाँ पे। फिर वो कहते हैं आप बच्चे को संभालो, बच्चे को ठीक रखो। हर बार जाती यही सोच के कि शायद डॉक्टर बस क्लियर कर देगी, ऑपरेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी सुनती हूँ ना तो बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे खुद पता है मेरे दो दो ऑपरेशन हुए हैं। फर्स्ट ऑपरेशन होने के बाद जब मैं सेकेंड ऑपरेशन के लिए गई थी, जब भी मेरे मन में ऐसे मुझे इतना डर लग रहा था। डॉक्टर ये बोल रही थी कि आप अपना बीपी हाई मत करना वरना ऑपरेशन नहीं होगा। इसीलिए मुझे दक्ष के लिए डर लगता है कि बस मेरा बच्चा इस चीज़ से बच जाए कैसे ही करके। अब मैं व्लॉग का एंड करती हूँ मैं, क्योंकि आके व्लॉग नहीं बना पाऊंगी, मुझे व्लॉग का एंड करना था। अब आपने देखा बच्चे भी ऊपर चले गए, अभी छोटे हैं, इतना नहीं समझते हर चीज़ के लिए। उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं कहती, कहती भी हूँ तो बच्चों को इतना समझ में भी नहीं आता। फिर सोचती हूँ कि अभी बच्चे हैं, आगे भगवान ने अभी उनके लिए टेंशन लिख दिया, अभी टाइम से पहले उनके लिए टेंशन लिख दी है, जो अब भले ही वो नहीं ले रहे, नहीं समझ रहे, लेकिन आगे जाके उनको ये इन सारी चीज़ों का सामना करना है। सारी चीज़ें फेस करेंगे, दुनिया को, अपनों को, परेशानियों को, बीमारी, मजबूरी, हर तरीकों, हर चीज़ को उनको फेस करना है। इसीलिए सोचती हूँ अब इस टाइम में अपने बच्चों को जितना हो सके उतना खुश रखूँ, ताकि मेरे बच्चे ये वाली लाइफ तो जी सकें, ये वाली लाइफ तो इन्जॉय करें। आगे का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो फ़िलहाल मेरे बस में है, मुझसे बनता है, सोचती हूँ उनके लिए सब करूँ। बस मेरे बाबा मोनराम दक्ष है इस बीमारी से निकालना, क्योंकि सांस जब सुनूँ ना तो बहुत सारे इंसान मैंने अपने सामने ऐसे देखे हैं, सांस की बीमारी के लिए कहते हैं कि आया सांस गया सांस, कुछ नहीं है उसका। तो इसलिए बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए, यही प्रेयर भगवान से, और बाकी कुछ नहीं।